जिसके सदा खोलता है उगलता है ज्वाला, पिताजी का बदला जो अपने चुकाया, सहस बाहु को सुत सहित मार डाला, सानी वही स्वाभिमानी वही है जो पानी पे हंस के लुटा दी जवानी, हंसते हंसते आलिंगन करे मौत का और लिख दे लहू से लहू की कहानी। मेरे प्रेमी बंधुओं, गजल का भाव है कहते हैं जिनको श्याम आनंद कंद है, कहते हैं जिनको श्याम वो अरे आनंद कंद है, मुझको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है, तो मुरली वाले की मुरली पसंद है, तो बाबू गजल का यही भाव है। ये गीत बाबा रामाधार सिंह की है। जिस समय उनके पिताजी का मर्डर हो गया, बाप के बदला के लिए बेटा के कैसे होके के चाहिए, यही भाव है बाबू। कि मिलत है मौत भी भली, अरे मिलती है मौत भी भली, यारो नसीब से है मौत, रो नसीब से से, अरे यजमा के आके देख लो, अरे यजमा के आके देख लो, आके करीब से आके देख करीब आके करीब से बाबू। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, शहर का भाव है। जिला बक्सर बिहार है, धुआं की कहानी है, जहाँ के कण कण में सिंह वंश की निशानी है।
धर्मराज सिंह का चढ़ा जमाना था, गोरों के कुशासन में पूरे देश में फंसाना था। सम्मान और क्या कहूँ अटारी का, कई गांवों के भरपूर जमींदारी का। कई गांवों में सिंह साहब मशहूर रहे, कुटुंब परिवार धन धर्म से मशहूर रहे। हरी हरी बहेलिया, हरी हर बहेलिया, वहीं का कलजुगी जो भीम रहा, हार माने न उसे बल उसे असीम रहा। दस पांच जवानों को अकेले झट देता था, साढ़ भैंसा का पकड़ पूछ पटक देता था। डकैती खूब घूम घूम करता था, किंतु चौधरी के साहब के ताप से वो डरता था। फंस गए धर्मराज सिंह एक तबाही में, हरिहर के खिलाफ कोर्ट की गवाही में। सिंह साहेब के चलते हार हरिहर मान लिया, हटा दो रास्ते से मन में वो अपने ठान लिया। बाबू हरिहर बहेलिया बहुत नीच कमीना टाइप का आदमी था, अत्याचारी था। अपने ही भाई का 40 बीघा जमीन जबरदस्ती जोत रहा था। चौधरी साहब कोर्ट में केस करवा के गवाही दिलवा करके उसका अपने छोटे भाई का जमीन दिलवा दिए। इसी के चलते उनको मारने के लिए फेरा में पड़ गया। लेकिन बाबूजी गीत के लाग, गीत के लाइन में बाबू मास्टर अरे जान मारे गोरी तोर कजारावा हो यार, कजारावा हो सोहे बिंदिया लीलारा। जान मारे गोरी तोर कजारावा हो यार, कजारावा हो सोहे बिंदिया। बाबूजी धर्मराज सिंह बाबा भोलेनाथ के पुजारी थे, जल देके शिवजी के मंदिर से खाली हाथ लोटा लेके आ रहे थे, और नाम था रामाधार सिंह। उनके लड़का रामाधार सिंह थे, धर्मराज सिंह धर्म के अवतार थे। जल देकर के आ रहे थे, रास्ते में 10-5 साथियों के साथ छेक लेता है गली में, और होता है क्या कि कोई न जाने, कोई न जाने विधि का विधानावा हो यार, विधानावा हो काल हो का। कोई न जाने विधि का विधानावा हो यार, विधानावा बाबा
बाबू बाबू धर्मराज सिंह रहले धर्मधारी शिव के पुजारी रहले औरी संस्कारी जहाँ जर धर्म का दिया नवा हो यार दिया नवा हो काल हो ता नवा मंदिर से एक पतली गली थी घर आ रहे थे उसी समय हरिहर बहेलिया 10-5 साथियों के साथ आगे से पीछे से चारों तरफ से घेर लेता है भाई का कि मंदिर से आवत रहले मालिक बखरिया और रहिया में घेर लिया हरिहर या नरिया भूल गईले धोखा दे दिया नवा हो यार दिया नवा हो काल होई तब भूल गईले धोखा में दिया नवा चारों तरफ से रास्ता घेर लेता है और उनके साथ वध करने का उपाय कर देता है लेकिन होता है क्या कि बोले हैं धर्मराज जाकर के हरिहर से अपने विशाल बल पे करता तुनाज है बनते हो मर्द तो मर्दानगी से पेश आओ कायर की भांति आए लागे नलास तू सानी बबुआनी का जाने न दूंगा मैं अरे दे दे एक लाठी लगा ले अंदाज तू बाबूजी अदना पहेलिया कहते हैं कि अदना पहेलिया फसाने वाला पंछी करने शिकार आया सिंह का गद्दार तू बाबूजी एक गीत लग गई इस गीत को हेठार के गवैया गायत्री ठाकुर जी बड़ी धूम के गाव बोलत है हम जैसे गायत्री ठाकुर गावत रहलन कि नदिया रे नदिया कहाँ हेली कहाँ हेलान बा अरे या फत में परान बा कि नदिया कहाँ हेली कहाँ हेलान बा आ फत में आ कि नदिया कहाँ हेली कहाँ हेलान बा आ फत में पर जले पर नमक लगावे वैसे सिंह के बतिया लागल क्रोध में धध के छतिया लागल ना पर नमक लगावे वैसे सिंह के बतिया लागल
छल के भाला मारा, साथियों को भी ललकारा। अरे उछल के भाला महाराज कहे की गतिया लागल, क्रोध में धधके छतिया लागल। महाराज महाराज चल क्षेत्र में हाहाकार, कतल कर कातिल हुआ फरार। चल क्षेत्र में हाहाकार, कतल कर कातिल हुआ फरार। लेके लाश गोद में बिलख बिकल धरतिया लागल, हमें भगत छतिया लागल। लाश गिर पड़ती है, कभी भी देशिया की लाइन में प्रमाण दे रहे हैं। बाबू धर्मराज सिंह के के कतलिया हो, आज जंगल के आग ऐसन पसरल खबरिया। बाबूजी, बाबा भोलेनाथ को जल दे के आ रहे थे, नियत था, लोटा हाथ में लिए थे, कभी प्रमाण दे रहे हैं, बाबा से कह रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ ना होई के अनाथ कई अक्का न खोली दीहल तीसरी नजरिया। बाल परिवार रोवे, जिलवा जवार रोवे, तलान रोवे, कोठवा अटरिया। बाबूजी, जो चाहा से सुना, इतने धर्मधारी, इतने संस्कारी, इतने धर्म के अवतार धर्मराज सिंह थे, लेकिन जिस समय उनकी पत्नी एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम गणेश सिंह था, बच्चे को लेके और लसिया पर लसिया पगिरी गिरी, लसिया पर लोटी लोटी रोवली गुजरिया हो, हो, हो।
सब लोग के विपदा में बरसे ना जारी नारी नारी के नयन भैले समनवा हो अखिया मिछाई कई मातमी बदरी अछूरी लोटा लेके रोए बेटा राम धार सिंह डूबी गई भानु लागे दिनों में अन्हारी शायर का भाव बा क्रिया कर्म धर्माय अनुसार कर दिया पूर्ण परिवार फिर भी दिल में दहक रहा था बदले का यंगा एक दिन पूछे माँ से अपने बेटा रामाधार क्यों रोती छुप छुप के माँ क्या है दर्द अपार एक दिन रामाधार सिंह की पत्नी रामाधार सिंह अखाड़े पर से लड़के आए माँ दूध पिलाई खुलाई हंस हंस के गले लगाई इसके बाद खिला पिला के सुता दी जब बच्चा सो गए रामाधार सिंह पहलवान जब सो गए उस समय उनकी पत्नी के सामने माँ बिलख बिलख कर रोने लगी बाबूजी वह गीत के लाइन लग गई मास्टर की माई के ही करनवा बरसे नयनवा होरा हंसी हंसी हमें रोज दूधवा पियवलू प्यार यो दुलार देख गरवा लगौलू काहे करणिया आज भेवेलू अचरिया गन गन कपेला बदनवा घुरा माईर माई के करण कह रही हैं कि बारी
डुमरिया में उजड़ल चमनवा हले बाबूजी के हरिहर दे सपनवा होरा बाबू। इतनी बात जब सुनती है माँ के द्वारा बहू बहू जाके अपने पति रामाधार सिंह से कहती है, कहले जे माई तेरे सारा अपने पिताजी का बदला मैं जब तक नहीं चुका लूंगा तब तक गीत के लाइन बा मास्टर बाबा 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 सुन कैला रजऊ अब सुन कैला रजऊ कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली मिर्जापुर के कैला गीत कलाइन बा लेकिन माँ कहत बाड़ी पीर उठे हीरऊ अब पीर उठे हीरऊ करे जवा में पीर उठे हीरऊ धाइले धरात नाही धीर हो करे जवा में पीर उठे ही सच्ची बात मोर बिहरे यारवा शेर का शिकार कैसे कैल सियारवा करे जवाब में पीर उठे ही रात दिन साले जैसे तीर हो करे जवाब हीरो सदी न साल जैसे तीर होकर माई कहते ये बबुआ अब कम होकर बदला ना ले सकब अगर बदला ना ले सकब तो मन करता जे झांसी के रानी बन जाए हम और सर काट के ले के वहीं पर बैठ के हम नहाई यह हमारे आंतरिक इच्छा बा कभी प्रमाण दे रहे हैं कि मन करे बन जाई झांसी वाली रानी बा भाई बा
गला चुकाई के अरे बच्चा ले पानी करे जावा में पीर उठे नैनावा समात नाही नीर हो करे जावा बतिया माई जब बाबू रामाधार सिंह से कहलिन उस समय बाबू एक ठे गीत के तर्ज लगिल मास्टर साहब झूलनी के गुजवा टूटल ये राजा जमनिया से गड़िया छूटल हे राजा साहबी है तर वाले की भाव है बेटा रामाधार सिंह पूछत बाबूलाल भैया कि कैसे दर्द दिल के जाइए माई उड़ला पंछी फिर न आइए माई उड़ला पंछी फिर न आइए माई उड़ला कैसे बुझी राउर बिरही अग्निया अचिंता चिता में जराव जीव दनिया चिंता चिता में जराव रोवली न दुखवा अरे वो राई ये माई उड़ल पंछी आई इतनी बात समझाते हैं माँ को और कहते हैं कि माँ अवश्य मैं जाके हरिहर का गर्दन काटूंगा और बदला चुकाऊंगा वह मिर्जापुरी माई कहे कि बेटा कसला अब कमारिया हो कचरिया हे चंगी बाधा पगरिया चुकाओ बेटा परशुराम बन जाओ पापी हरिहर का सिर पाऊं बेटा बैठ के उस पर नहाऊं दिल की जलन बुझाऊं लहकता बाया जारिया हो कचरिया चंगी बाधा पगरिया ना मास्टर साहब तेरी के भाव आ गए पगरिया कुल की जाई कैसे भारत भव्य भूमि है पीरवन के नगरिया
चढ़ गया जंग का रंग जिगर में, रामा धार ललकार चले, 18 वर्ष की उम्र चढ़ानी बन के सिंह खुखास चले। माता का दर्द मिटाने है, परशुराम बन जाऊंगा, अरे काट के गर्दन हरिहर का मां के चरणों में लाऊंगा। मास्टर साहब पापड़ के भाव लग गए। शेर शेर के आगे चले न कोई कचाल काल चढ़ियाई बात, अदर देवे छाती पर चढ़ के दाल काल चढ़ी। चढ़ा निशाने पर शिकार तब रामाधार ललकार हो, उछल के भाला हरिहर के आकर के छाती में मार हो, अरे गिरा पहलिया लहू मोहे के लाल काल चढ़िया, जैसन कैलन वैसन पवल हाल काल चढ़िया। काट के मुड़ी हरिहर का, काट के मुड़ी हरिहर का माँ के चरणों में लाए हो, अब बैठा के मुड़ी के ऊपर माँ को स्नान कराए हो, अरे आशीष दी हली माई चूमी के भाल काल चढ़िया, जुग जुग जियो बेटा हजारों साल काल चढ़िया। भैया बाबा बाबा अब चलता है लाल गिल मास्टर साहब। पूत सपूत है जग जाने, जकर कीर्त गवले न गवाए, प्रथम पुत्र भाई परशुराम जी पिता के बदला लिए चुका, सहस बाहु की सहस भुजाएं काट काट दी हले या लगाए, महसमती पूरा मिटा के छोड़े रेणुका नंदन आग लगा, द्वितीय पुत्र भय भूप भगीरथ किए घोर तपन में जाए, सगर सहित जग तारन खातिर थरा पगंगा दिए बहाय, द्वितीय पुत्र भय श्रवण कुमार जी भक्ति मन में गई समाय, तीर्थ कराने मात पिता को कावर कांधे लिए उठाए, माता पिता के श्री चरण में चल ही कदी हल जान गवाए, चौथा पुत्र भय भीष्म पिता महा दीवन दिए बिता,
राजपाट के छोड़क चिंता कठिन प्रतिज्ञा लिए उठाए बाबूजी। जिस तरह से हमारे परशुराम जी, भगीरथ जी और श्रवण कुमार जी और दादा भीष्म बेटा का सपूत का फर्ज निभाया, उसी तरह से कलयुग में सतयुग द्वापर त्रेता हर युगों का जवाब देने के लिए कलयुग में रामाधार सिंह अपने बाप का बदला कैसे चुकाते हैं। मास्टर मीठा ला लगा अरे पचवा सुपुत्री रामा धार सिंह भैले भैया तो खिया माई कहती हले अमर हो बना अम्माई का दूधावा कहे कीमत चुकौले भैया बापू धर्मराज सिंह के अरे बापू धर्मराज सिंह के बदला चुका चलली मुकदमा बाबू लंदन नगरी में भैया गोरो का कुशासन दिया था दहला कैले इनकार नहीं कतल कैला से भैया ठोकी ठोकी ताल कहे जज के समन्वय भैया कैले पानी भाला कैले पानी का तलहा मां भाला हो चला बोलला से सारी बिगड़ जाई बतिया भैया बेटवा के जाई हो धारा मवन सा रही जिंदगानी चाहे जाई दुनिया में भैया लेकिन नहीं जी अब हमा सिरवा झुका अरे फरमान बाबू काउंसिल से भैया फांसी का सजा जज्जा दिया हो सुना अंतिम इच्छा पूछा जब जेलर जेलवा में भैया अरे बोल धर्मराज सिंहासानी मुसुका पूज्य
जा पुरोहित के बोला द घरवा से भैया, करबे पूजा पाठ मा हो के हरसा, अरे गईले पुरोहित बाबा पाई के खबरिए भैया, पूजा पाठ दिया विधिवत करवा, अन्न धन जमीन यौरी, अन्न धन जमीन यौरी दीहल गऊ दान भैया, कैल गऊ दान अपने हाथ मुसुका, बाबूजी अंतिम जब सजाए हो जाती है फांसी की उनके तीन साजियों को, आजीवन कारावास हो जाता है लंदन पीबी काउंसिल से, तो जेलर साहब पूछते हैं चंद्रा बाबू कि आपकी आंतरिक इच्छा क्या है। रामाधार सिंह बोलते हैं कि मेरे कुल पुरोहित को बुलाइए और मैं दान पुण्य गौ दान करना चाहता हूँ, पूजा पाठ करना चाहता हूँ और सारे कैदियों का सम्मान करना चाहता हूँ। एक दिन पहले पूजा पाठ करके सारे कैदियों को माला पहना करके सबका आशीर्वाद लेके दूसरे दिन 4 बजे भोर में फांसी के फंदा के पास पहुंच जाते हैं। बाबूजी अंतिम खड़ी धुन बा मास्टर, धर्म जराई हो झूल गया फांसी पे बंदा, फंदा खुद लगाई हो, रामाधार सिंह अंतिम इच्छा समझाई हो, जेल में जेलर कसन देना इन्हें दिए बताई हो, मानस मानसान सम्मान इनकर अंबर में लहराई हो। कभी प्रमाण दे रहे हैं कि उनके साथ तीन जो सहयोगी लोरलन, पहला नाम था राम दत्त सिंह, राम सुरेश सिंह, पंडित जी हरिद्वार हो, अगला काटने में हरिहर का दिहल साथ हमार हो, सान मान सम्मान का झंडा अंबर में फहराई हो। कह रहे हैं कि मुझे मिल गई है फांसी, इन लोगों को आजीवन कारावास हो, आज जेल में जेलर कष्ट देना इन्हें समझना खास हो, अरे खींचलिया पटरा जलात नाटा मलिक अंगुली दवाई हो, 43वीं फांसी राम आधार की सदा रहेगी याद हो, गूंज रहा धरती अंबर में अंतिम जिंदाबाद हो, शेर हिंद सो गया सदा को कीर्ति अमर बनाई हो, झूल गया फांसी पर बंधा
राम आधार का कायम है खानदान हो, पुत्र थे जिसके गणेश सिंह रामेश्वर संतान हो, प्रपोता प्रताप सिंह श्याम सुंदर सिंह बगिया रहे सजाई हो, धर्म कर्म और मान सम्मान का सदा होत संचार हो, सदाचार व्यवहार का वहां होता जय जयकार, दोनों प्रपोता चमके जैसे चांद सूरज जस भाई हो, झूल गया फांसी पे बंद फंदा खुद लगाई हो, बाबू अंतिम भाव है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की बानी, सूर श्याम सुरेंद्र बिना छंद कौन पहचानी, पगरिया कुल के जाई कैसे, सतीश राय के हाथ जबले रही कटरिया पगरिया, मैया तो है के पुकार पुका फा